नमस्कार दोस्तों, 17 ऐड वाले में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है कुलबीर राजपूत और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। और इसी के साथ साथ मैं आपको आज एक यूनिक टाइप का ऐड, जो आपने सब आप लोग देखते हैं, आप सब लोग उसके बारे में जानते हैं लेकिन आपने कभी सुना नहीं होगा, और हमारे चैनल पे भी मैं ये वाली वीडियो आपके लिए फर्स्ट टाइम लेके आ रहा हूँ। मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो गवर्नमेंट ऐड होते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे उनका काम होता है, कैसे वो मार्केट से उठाए जाते हैं और किस तरह से वो पूरी चीजें प्रोसेस होती है। आपने देखा होगा, आप रेलवे स्टेशन पे देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे और आप लोग न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो इलेक्शन टाइप के ऐड होते हैं, जो हमारा उसी टाइम पीरियड के लिए चलाए जाते हैं यूट्यूब पे या फिर आपका टीवी पे भी। तो ये चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो गवर्नमेंट ऐड होते हैं उनको जरूरत क्या होती है गवर्नमेंट ऐड बनाने की। देखिए, ये ज्यादातर जो बनाई जाती है वो आम पब्लिक के लिए, जो आम नागरिक है उनको, सबको एक चीजें मैसेज पास करने के लिए, उनको चीजें समझाने के लिए ये किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा काफी टाइम पहले कॉन्डम्स के काफी सारे ऐड होते थे कि कॉन्डम्स के बारे में जानकारी देते थे लोगों को, एक एड्स के प्रति काफी सारी, जब ये नई नई चीजें आई थी लोग जानते नहीं थे, शर्माते थे इन चीजों को बात करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे काफी सारे इसके लिए कैंपेनिंग करी थी कि आप कॉन्डम के लिए जागरूकता फैलाई थी लोगों के बारे में। तो इस तरह से काफी सारी चीजें होती है। जैसे अभी स्वच्छ भारत का मिशन चला था तो उस टाइम पे स्वच्छता से रिलेटेड लोगों ने काफी सारे ऐड को देखा होगा। तो ऐसे ही मैं आज आपको बताऊंगा कि जो और भी एड्स होते हैं, जैसे इलेक्शन का टाइम होता है तो सरकार ये कभी नहीं बोलेगी कि हमारी हमें वोट दो या कुछ भी करो, वो हमेशा बोलती है कि आप वोट देने जरूर जाओ। वो मतदान के लिए एक चीजों का मैसेज का पास करती है। ऐसे इस तरह के एड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो गवर्नमेंट देती है वो काफी पहले से, काफी महीनों पहले से ही स्टार्ट हो जाते हैं वो मार्केट में। और इसमें क्या होता है कि कुछ एजेंसियां होती हैं गिनी चुनी ही, तो गवर्नमेंट जो ये ऐड देती है बनाने के लिए वो ऐसे ही किसी एजेंसी को नहीं दे देती है। उसके लिए क्या होता है, एजेंसियां टेंडर भरती हैं तो उसमें से शॉर्टलिस्ट होती हैं चीजें। देन उसके बाद जो जिनको शॉर्टलिस्ट करते हैं काफी सारी एजेंसीज को, उनसे फिर वो स्क्रैच फाइल मांगती है, स्क्रिप्ट मांगती है। देन उसके बाद में अगला प्रोसेस होता है कि जिनका उनको सबसे अच्छा लगता है, जिनका थोड़ा सा चीज़ें उनको मतलब ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगती हैं, तो उनको फिर उसमें से शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद में फिर से उनके स्क्रिप्टिंग वगैरह पे काम होता है और उनसे डिमांड की जाती है काफ़ी चीज़ें। देन उसके बाद एक और राउंड होता है उसमें, कि इसमें शॉर्टलिस्ट होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें होती है वहां पर बजट वगैरह की डिसाइडेड होती है कि इन लोगों में हमारे पास, जैसे चार लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, चार एजेंसी को शॉर्टलिस्ट किया है, तो उसके बाद में क्या होता है, वहां पे बजट देखा जाता है कि कौन एक अच्छे बजट में और एक अच्छी चीज बना के दे रहा है। देन उसके बाद में जो स्क्रिप्टिंग वगैरह होती है उसमें ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है कि हमें 2D चाहिए या 3D चाहिए, या फिर हमें सेलिब्रिटीज या एक्टर्स के साथ में, नॉर्मल एक्टर्स के साथ में शूट करना है या कैसे करना है। और सेम चीज ऐसी होती है कि ये गानों के साथ में भी होता है। आपने देखा होगा कि गाने भी बनते हैं, सॉन्ग्स जो म्यूजिक जो बनाती है, जैसे आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो गाना बना था, या फिर जैसे किसी भी पार्टी के लिए भी गाना बनते हैं, तो वो उस तरह से ही टेंडर्स पास होते हैं और बजटिंग के हिसाब से ही इनमें काम होता है। तो अभी हमने रिसेंटली एक एड बनाया है, एक एड बोल लीजिए उसको, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक जागरूक करने वाली एक वीडियोज है वो हमने बनाई है। एक PIDPI करके है, तो उस डिपार्टमेंट का हमने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हमने ऐड बनाया। उसका जो मेन मकसद जो है, जो मैसेज है, कि आप जी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो अगर वहां पे कोई घूस लेता है या रिश्वत लेता है तो उसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हो PIDPI को डायरेक्टली। तो वो मैं ऐड आपको दिखाऊंगा भी और उसके बारे में बताऊंगा भी कि किस तरह से इसमें स्क्रिप्टिंग हुई है, कैसे वॉइस ओवर हुआ है, इसमें हर चीज कैसे कैसे एक स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोसेस हुआ है। क्या बात है भाई, बड़े परेशान से दिख रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, आज मुझसे सरकारी कार्यालय के एक कर्मी ने एक काम के एवज में रिश्वत मांगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मुझे डर है कि शिकायत करूंगा तो मेरी पहचान हो जाएगी। अरे भाई, घबराने की नहीं है बात, जब PIDPI है साथ। अरे काका, कहां पसीना बहाए चले जा रहे हो, बड़ी जल्दी में दिख रहे हो। तुमको नहीं पता आज मतदान का दिन है,
मैं तो वोट देने जा रहा हूँ, तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? वोट डाला तुम लोगों ने कि नहीं? अरे काका, हमारे वोट देने से क्या होगा, और तुम भी कहाँ परेशान हो रहे हो? बेटा, हमारा एक वोट ही हमारी ताकत है, और मतदान से ही तो हम अपने लिए सही प्रत्याशी चुनते हैं। अरे काका, आप तो बड़े सयाने और जागरूक हो। और जब आप लोकतंत्र के लिए इतना सजग हो तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं? अब तो हम भी आपके साथ ही चलेंगे और लोकतंत्र में अपना भी योगदान देंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। तो देखा आपने किस तरह इसमें कैरेक्टर पे काम होता है, किस तरह से इसमें स्क्रिप्टिंग होती है, वॉइस ओवर होता है, तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। और इसका मैंने आपको पूरा चीजें तो समझाई दी हैं कि किस तरह से मार्केट में उठता है। अब बात आती है कि गवर्नमेंट चलाती है या फिर इनको हम चलाते हैं या फिर कोई और एजेंसी चलाती है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का क्या इस पर पूरा का पूरा प्रोसीजर रहेगा, कहाँ कहाँ पे उनको चलाना है या किसी एजेंसी को देना है, तो वो वही लोग तय करते हैं इसको कि कहाँ पे उनको पूरा सर्कुलेट करना है इस चीज को। ठीक है, तो अभी हम जैसे मैंने आपको दिखा दिया है, हमने यूपी गवर्नमेंट के भी मैंने आपको दिखाए हैं कुछ एड जो हमने बनाए थे कि जो वोट डालने के लिए जो लोगों को मैसेज दे रहे थे कि आप लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, कोई बुजुर्ग है या कोई भी है उनके लिए हमने पूरा का पूरा मैसेज एक बनाया था, स्क्रिप्टिंग की थी। तो इस तरह की और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो जैसे मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियोस भी दिखा दिए हैं, बता भी दिया है, तो ये वीडियोस जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज जो हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेट चार्ज करती हैं या जो भी करती हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम लोग इनको बहुत ही मिनिमम रेट में बना के देते हैं। इसमें क्या होता है कि काफ़ी बार बहुत सारी चेन बन जाती है कि इस एजेंसी ने काम दिया, फिर उसके बाद हुआ, फिर उसके बाद हुआ, उसके बाद हुआ, तो इसमें काम अच्छे से हो नहीं पाता है। लेकिन जो अगर डायरेक्ट कोई एजेंसी काम करती है तो बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छे लेवल का काम होता है और चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं। बाकी मैं आपको बोलूँगा कि इस तरह की अगर आपको कोई अपने प्रोडक्ट के लिए है या फिर अपने कुछ आपको इस तरह का कोई मैसेज है, ज़रूरी नहीं है कि ये गवर्नमेंट में बनते हैं, ये हर तरह के ऐड बन सकते हैं। तो इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए और इस तरह का काम करवाने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।